अच्छा, उन दिनों जब आप स्कल्पचर की क्लास में थोड़ा बहुत काम शुरू कर दिया, और तो आपको रामकिंकर के बारे में कोई जानकारी बिल्कुल थी? बिल्कुल, लगातार आप शांति निकेतन जाते बिल्कुल थे? जाते थे, और रामकिंकर बेज हम किंकर दा बोलते थे लगातार। उनके उनके घर, जो मिट्टी के घर है, वहाँ मैं जाते थे। वो भी बड़ा बहुत सुंदर, अगर सुनोगे तो बड़ा, गुरु गुरु की क्या होता है। हमने जब उनके पास जाते थे तो उन्होंने बोला, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। मैंने कहा, सर कुछ पोर्ट्रेट करना चाहता हूँ। मैं स्केचिंग करना बहुत पसंद करता था, मॉडलिंग तो मेरा था ही था, और सुनील पाल जी से मैंने पोर्ट्रेट सीखा। सर ने पोर्ट्रेट नहीं सिखाया, क्लास टीचर ने सिखाया। तो रामकिंकर बेद से जब मैंने वहाँ पहुँचे, बच्चा था, कहते देख यहाँ बैठ के होगा नहीं, मैं बिल्कुल पोज दूंगा, बिल्कुल ऐसा दूंगा, लेकिन तेरे को वो उतनी दूर से करना पड़ेगा। मैंने कहा, सर ऐसा तो सिखाया नहीं किसी ने। नहीं, ये मेरा मेरा वो है। उस उतने दूर से अगर मेरे पोर्ट्रेट को पकड़ पाओगे तो तू ठीक पर कर पाओगे। तो मैं उस पर अगर फॉलोअप की कोशिश की, अब यंग लड़का उस समय थे, मैंने एक जोश लेके गया था। ड्राइंग वाइंग जितना होना है, उनकी बड़ा फेस भी बहुत टाइप के हैं, फटाक से आ भी गया था, तो उनको बहुत पसंद आया। क्या किया है देखकर, हाँ ठीक है, खुद दस्तखत कर दिया रामकिंकर, मतलब मेरे को कुछ करने नहीं दिया। और एक बार ले, और एक बार ले, तो और एक बार किया तो उतना अच्छा नहीं आया, इसमें थोड़ा सा कमी है, मैं टच मार देता हूँ करके आर के। फिर बात करते करते एकदम दोस्त की तरह रामकिंकर बेज किंकर दा ऐसी बात करते थे, देख तू बहुत किस्मत वाले हो। मैंने कहा, क्यों सर क्यों सर, तू जानते नहीं हो तेरे गुरु कौन है। हैं, अरे मैं तो अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ। अरे वो पंडित है, उसके पास इतनी खजाना है, अगर खुरच लोगे ना तो देखोगे क्या है। तो मैंने कहा, सर आप भी हमारे गुरु हैं। मैं तो गुरु तो हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसको पकड़ के रख। मैं भी उसको बहुत इज्जत करता हूँ, उन वो इतनी पंडित है, उनकी लिखन में, उनकी नॉलेज में वो लाजवाब है, तो उसको छोड़ना नहीं। अब देखिए, एक गुरु दूसरे गुरु में कितना अंतर है। जब किंकर दा वो गुजर गए थे, हमारे गुरु ने भाषण दे रहा है कि किंकर राम किंकर बेच ना कभी आएगा, और वो गया तो गया, ही वॉज अ जीनियस। अब देखिए, दोनों गुरु की जो एक वर्सलिटी है वो हमने देख कर बताया। किंकर दा को बहुत हमारे गुरु जी ने बहुत श्रद्धा दे देते कि वो एक अलग अलग ढंग के कलाकार हैं। तो उस ज़माने में आपको किंकर दा का जो स्कल्पचर आपने देखे शांति निकेतन में, आपको क्या उनमें किस चीज़ ने प्रभावित किया? किंकर दा की कला में मुझे बहुत सॉयल स्कल्पचर्स के वो आता है, मतलब हमारे देश के, हमारे परंपरा के। और किंकर दा के स्टाइल में कोई ना ग्रामर है, ना कोई व्याकरण, जैसे होते हैं ना शिल्प शास्त्र में, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। किंकर दा इज अबाव द लेवल। मैं देखा उनका, उनके कई कंपोजिशन करते हुए देखा। वो कोई मिट्टी मिट्टी को कोई तैयार कर दे मेरे लिए, वो नहीं सुनते थे। वो उठाते थे बाल्टी से, वो अगर पानी रहे, कुछ भी रहे, धड़ाक धड़ाक वो अपना स्टाइल में पीट कर अपने स्टाइल तैयार कर लेते थे। तो उसमें अल्टीमेट रिजल्ट वो किंकरदाई है, कि जो उनकी संताल फैमिली, जो उसके बाकी सारे जो फॉर्म है, उसकी जो मॉडलिंग के पैचेस हैं, वो वही कर सकता है किंकरदा। और जिसमें एक मोमेंट्री फीलिंग्स और भावना और एस्थेटिक क्वालिटी शायद बहुत कम कलाकार के अंदर है, जो किंकर दा के अंदर है। और उसके अलावा उनकी जो रोजाना जो जिंदगी की जो रूटीन है, वो भी बहुत मायने रखते हैं। वो एक रिक्शा वाला को बोलते हैं, वो एक टोपी पहनते हैं और सीधा वाटर कलर स्केच बुक लेके संताल की गांव में या कहीं जगह में जाके अपना एक्सरसाइज। अगर मुझे पूछा जाए तो किंकरदा ने जितनी स्कल्पचर बनाए उससे भी कई गुना ज़्यादा
वो ड्राइंग एंड वाटर कलर की है, और वो भी आप सभी मतलब हमारे शिल्पी जगत में, शिल्प कलाकार जगत में ये कोई वो नहीं है कि किंकरदा वॉज ग्रेट। हमारे गुरुजी की जो बात आते हैं, ही वॉज ए पंडित, वो अगर टीचर अगर कहो तो मेरे गुरुजी जैसे टीचर है ही नहीं। सिखाना, बच्चे को आगे ले जाना, वन बाई वन, वन बाई वन।